नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, मन आदमी की ऐसी शक्ति है, मतलब अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, सिर्फ मेरी अपनी भाषा, जब भी मैं किसी भी जीव को देखती हूं, इंसान को देखती हूं, मुझे वो इंसान बाहर से जैसे साथ जो दूसरे लोगों को दिखाई देता है, मुझे वो ऐसा नहीं दिखता। मुझे हमेशा वो इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे जो उसका मन एक्टिवेट है, जो उसकी बुद्धि एक्टिवेट है, वो दिखाई देती है। बिकॉज कोई भी शरीर, कुछ भी, जो कुछ भी वो कर रहा है, वो सब कुछ उससे उसका मन करवा रहा है, उसकी बुद्धि करवा रही है। ये मन, ये बुद्धि आपके तमाम कर्मों का फल है। यदि आपको दुख भोगना लिखा है दोस्तों, आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका मन बेचैनी अनुभव करेगा, आप अंदर से खुश नहीं हो रहे, अच्छा करने के बावजूद भी। कई लोग मैंने देखे जिनके पास सब है, सुख है, संपन्नता है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, फिर भी वो सुखी नहीं है। अब वो सुखी क्यों नहीं है, आप उनसे लॉजिकली बात करें तो वो बिना मतलब का दुख बताते रहेंगे, ये है, वो है, वो है, वो कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन वो दुखी है, वो दुखी है क्योंकि उन्हें दुख भोगना लिखा है। जिसकी पांचों उंगली घी में है और फिर भी वो दुखी है, तो समझ जाइए ये भी इसके मन का दोष है। जब मन आपके नीच के होते हैं, दूषित ग्रहों के साथ बैठे होते हैं, तो आपका मन कभी खुश नहीं होगा, बुद्धि आपकी सही दिशा में नहीं चलेगी। क्योंकि मन यदि आपका, आप कहीं बैठे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से बेचैनी लग रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल, तो उस समय आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, नो, चल हट, सब बढ़ जाओ एक तरफ, मुझे तो आराम करना है या मुझे एकांत में जाना है ना। इस टाइप के थॉट्स आते हैं, आप देखना मन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, दुखी दुखी रहने लग जाता है, अकारण शकारण दुखी रहने लग जाएगा। मन को मजबूत बनाना दोस्तों बहुत जरूरी है। कई बार दोस्तों मैंने कई लोगों को ऐसे देखा, जिन लोगों ने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं, और उनके अंदर कहीं कोई तकलीफ नहीं है, उनके मन में कहीं ये नहीं है कि मैं ये गलत कर रहा हूं। ये बात और है कि उनकी बुद्धि जानती है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके मन से कहीं उनको अनुभव नहीं होता है। किसी भी इंसान को ये फटाक से खत्म कर देते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सत्कार्य करने वाले भी कितनी बार दुखी मन में, मन की अवस्था में दिखाई देते हैं, कितनी बार दुष्ट कर्म करने वाले बड़े खुश खुश घूमते हुए दिखाई देते हैं, है ना। जो भी हो, लेकिन ये जरूरी है कि आपका मन बलवान रहे, क्योंकि बलवान मन आपको मजबूत और बड़े काम करवाएगा, वो तमाम काम जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, जरूरी हैं। और क्योंकि दोस्तों मन यदि बलवान नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने आप हारने लग जाएंगे सब जगह से, सफलता आपसे कोसों दूर भागेगी। हारा हुआ इंसान न तो पैसा अर्जित कर पाता है, न यश, न कीर्ति, कुछ भी नहीं। तो आपका मन मजबूत रहे, इसलिए हर सोमवार दोस्तों एक काम करना शुरू करें। ये काम कोई भी महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, मन सबके पास है, कोई भी कर सकता है। आप चावल को पानी में भिगो दें कुछ देर, चावलों को मतलब पहले धोकर के साफ कर ले, फिर उसे पानी में भिगो दें। उसके बाद में चावलों को थोड़ा सा क्रश कर ले और उस पानी को, पानी से अपना मुंह धोएं। यदि आपके पास गुलाब के फूल हैं तो उसमें आप गुलाब की पत्तियां भी यदि डाल देते हैं और साथ में उनको क्रश करके उनसे उससे मुंह धोना शुरू कर दें। थोड़ा सा पानी पहले साइड में निकाल लें, थोड़ा सा उसको पीना भी शुरू करें और उससे मुंह धोएं। मुंह धोने के बाद उस पानी को उठा करके पी लें। जिन लोगों को पीरियड्स की बहुत, महिलाओं को तकलीफ है, बहुत ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, वो लोग यदि इस क्रिया को करना शुरू कर दे, या जब भी पीरियड होते हैं और अतिशय होते हैं, ज्यादा हो रहे हैं,
तो चावल जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से चावल का पानी बनाए और उस पानी को पीना, एक एक ग्लास पीना शुरू कर दे। मतलब एक मुट्ठी चावल पानी में डाल दे, उसको बराबर पानी के साथ क्रश करें और उस पानी का मतलब एक ग्लास पानी पीना शुरू कर दें। कितना भी ज्यादा पीरियड हो रहा होगा तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, राहत हो जाती है। और यही पानी इसमें थोड़ा सा मतलब यदि गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी है, नहीं पड़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि पड़ी है तो दोस्तों ये आपके शुक्र को भी मजबूत बना देती है। शुक्र मतलब धन और ऐश्वर्य की झड़ी लग जाती है। तो यदि गुलाब की पंखुड़ियां भी है तो आप उसको भी डाल दें चावलों में और उससे मुंह धोए और थोड़ा सा पिए। हर सोमवार सोमवार आप इस क्रिया को करना शुरू करें। किसी भी चीज का दोस्तों तुरंत रिजल्ट नहीं आता, किसी भी चीज की अच्छी या बुरी इफेक्ट दिखाई देने में थोड़ा समय लगता है, तो हमेशा थोड़ा सा पेशेंस रख के ही आप उपाय करें। इस उपाय को करना शुरू करें, एक तो आपका सौंदर्य बढ़ेगा, चेहरे में आपके शांति दिखेगी, मन आपका, क्योंकि यदि मन शांत नहीं है तो चेहरे में तो यूं भी शांति दिखाई नहीं देती है। जिसका मन बेचैन है, आपका मन कैसा है वो आपका चेहरा स्पष्ट रूप से बता देता है। आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखें ध्यान से, आप समझ जाएंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत आराम से चेहरा पूरे व्यक्तित्व का आईना होता है, तो चेहरे में शांति दिखाई देगी जब आपका मन शांत हो जाएगा और आपके चंद्र मजबूत बनेंगे। तो मन को बलवान बनाने के लिए अपने कार्यों को, जो भी आप कर्म करते हैं उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए इस क्रिया को सोमवार सोमवार करना शुरू कर दें। क्या रिजल्ट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें, खुश रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। जय श्री कृष्ण।